हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू कैसे हैं आप सो इन दिस वीडियो वी विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर क्रिसमस डे इन द मॉर्निंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन आंसर्स के और सम हम कर चुके हैं अगर आप देखना चाहते हैं समरे और फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन आंसर एम सी क्यू रीड एंड आंसर्स तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज में जाइए तो आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगे लिटरेचर एज वेल एज ग्रामर विद आंसर्स

इसके अलावा वह अब बच्चा नहीं रहा उसे अब अपनी टर्न को समझना चाहिए इट वाज टाइम टू बिकम रिस्पांसिबल एंड कम फॉरवर्ड टू वर्क एंड हेल्प हिज फादर तो जो बोर्ड में लिखे हमें उसको एक्सप्लेन करना है ही took his turn का मतलब क्या है यहाँ पे तो इट वाज टाइम टू बिकम रिस्पांसिबल मतलब कि अब समय आ गया है कि उसे अपने Uh, चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए एंड कम फॉर टू वर्क और आगे बढ़कर काम करना चाहिए एंड हेल्प हिज फादर और अपने पापा की जो है मदद करनी चाहिए नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब उसे बहुत ज्यादा सोना नहीं चाहिए सीधा आंसर ही शुड बी अलर्ट टू एग्जीक्यूट हिज प्लान टाइमलीयर एग्जीक्यूट मीन्स होता है ऑब्जर्व करना परफॉर्म करना मतलब कि पालन करना तो उसे क्या होना चाहिए उसे अलर्ट होना चाहिए अपने काम के लिए अपने काम अपने, अपने काम को जो है प्लान करें और टाइम के अकॉर्डिंग उसे जो है करें करे सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आरटीसी सेकंड क्वेश्चन व्हाट मेड रोब थिंक दैट ही कूड हैव बॉट अ बेटर प्रेजेंट फॉर हिज फादर रॉब ने ऐसा क्या सोचा जिसे कि उसे ऐसा लगा कि उसे अपने फादर को एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंट गिफ्ट करना चाहिए रॉब वॉज फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड बॉय रॉब जो है पंद्रह साल का लड़का था एज ही वॉज नो लॉन्गर अ लिटल बॉय जैसे कि वो छोटा बच्चा नहीं रहा था ही थाड है बेटर गिफ्ट इसलिए उसको ऐसा विचार आया इसलिए उसने ऐसा सोचा कि अपने पापा को उसे बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहिए ही बॉट अ गिफ्ट उसने एक गिफ्ट खरीदा अ टाई विद टेन सेंट loved his father a lot। वह अपने पापा को बहुत प्यार करता था And wanted to gift him something better if only he had the money। और जो है बहुत ही अच्छा गिफ्ट खरीदना चाहता था अगर उसके पास बहुत सारे पैसे होते वह वह अपने पापा पापा के फेस पर बहुत ही खुशी देखना चाहता था. When he received the gift, जब गिफ्ट ले मतलब कि जो गिफ्ट करे तो उसके पापा उस गिफ्ट को देख कर बहुत खुश हो ऐसा उनके फेस पर अपने पापा के फेस पर देखना चाहता था नॉट अ चोर फॉर रोब ऑन दैट क्रिसमस डे चोर मीन्स डे वर्क मतलब कि जैसे हम घर का काम कहें या काम जो हम टास्क में अपने करते हैं मिल्किंग का काम किया वो उसका डेली टास्क क्यों नहीं था मिल्किंग वाज नॉट अ चोर ऑन दैट क्रिसमस डे बिकॉज रॉब वांटेड टू प्रेजेंट अल गिफ्ट टू हिस्स फादर बाई डूइंग इट हिमसेल्फ मिल्किंग जो है उसका डेली टास्क नहीं था डेली का रोजाना काम नहीं था क्रिसमस डे के दिन जो उसने किया, बिकॉज क्योंकि रोब तो प्रेजेंट, क्योंकि रोब जो है अपने पापा को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था ये अकेले काम करके मिल्किंग का इट डिड नॉट सीम टू बी यूजुअल चोर बट स्पेशल दैट ही डिड फॉर हिज फादर उस क्रिसमस के दिन जो उसने मिल्किंग का काम किया रॉब ने ये उसका डेली का टास्क नहीं था क्योंकि रॉब खुद ऐसा करके अपने पिता को फादर को एक आ, स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था ये कोई आसान काम नहीं लग रहा था बल्कि कुछ खास था जो उन्होंने अपने पिता के लिए किया था अकेले ही रॉब ने मिल्किंग का काम कर दिया था नी आई विश आई कुनेज अलोन मुझे आशा है कि मैं जो है इसको अकेले ही मैनेज कर लूँगा अकेले ही कर लूँगा हु सेड द अब लाइन एंड टूम किसने किसको कहा था ये लाइन रॉब्स फादर एडम सेड दीज वर्ड्स टू मैरी रॉब्स मदर ऐसा जो है रॉब्स के फादर ने बोला था मैरी को रॉब्स की मदर को व्हाट वाज टू बी मैनेज्ड क्या था मैनेज करना यहां पर मिल्किंग वाज टू बी मैनेज्ड मिल्किंग का काम करना था

मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर के चैप्टर या लिटरेचर के चैप्टर के साथ सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस बाय बाय टू ऑल